ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। चुनावी राज्य पंजाब में कांग्रेस की खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम फेस को लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच नूरा कुश्ती जारी है। तो इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ पार्टी का टेंशन बढ़ा सकते हैं। जाखड़ ने दावा किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीएम पद से हटने के बाद उनके पास 42 विधायकों का समर्थन हासिल था। जाखड़ ने यह भी कहा कि चन्नी को सिर्फ 2 विधायकों का समर्थन मिला था, वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ सिर्फ 16 और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कांग्रेस विधायक खड़े हुए थे। जाखड़ के बयान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सियासी जानकारों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी अब कभी भी सीएम फेस की घोषणा कर सकती है। ऐसे में जाखड़ का यह बयान उनकी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए सामने आया है। बता दें, सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को यह दावा करते हुए सुना जा सकता है कि कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब के सभी 79 विधायकों को पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के पिछले साल इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी वरीयता देने के लिए कहा था। सुनील जाखड़ ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस से बाहर होने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे कम पसंदीदा कैंडिडेट थे। कांग्रेस के दिग्गज सुनील जाखड़ ने अबोहर निर्वाचन क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के लिए प्रचार करते हुए कहा कि 79 में से सुनील जाखड़ को 42 विधायकों ने समर्थन दिया था। सुखजिंदर सिंह रंधावा को 16 वोट मिले और परनीत कौर को 12 विधायकों ने पसंद किया। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी थे, जिन्हें 6 और 2 विधायकों ने पसंद किया था। सुनील जाखड़ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि शीर्ष पद से वंचित होने के बावजूद मैं बहुत खुश हूं कि ज्यादातर विधायकों ने मुझ पर भरोसा किया। मेरी नाराजगी सिर्फ इस बात से है कि सबसे ज्यादा वोट मिलने के बावजूद मुझे सिर्फ उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश की गई। आपको बता दे, पंजाब में चुनावी घमासान चरम पर है। 20 फरवरी को प्रदेश में वोटिंग होनी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाने के बाद सुनील जाखड़ रेस में सबसे आगे बताए जा रहे थे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के विरोध की वजह से सुनील जाखड़ को पंजाब का सीएम नहीं बनाया गया। सुनील जाखड़ का बयान अब ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस पार्टी में सीएम फेस की रेस चरम पर है। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चयन में जुटी हुई है। पार्टी इसके लिए आंतरिक परामर्श कर रही है। मुकाबला कथित तौर पर सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच है। सियासी जानकारों का मानना है कि जाखड़ का यह बयान ये बताना है कि वो सबसे ज्यादा विधायकों की पसंद है, वो भी मुख्यमंत्री पद की रेस में बरकरार है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो पंजाब। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।